हेलो एंड वेलकम दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है प्रतिरूप और इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्न। देखिए कुछ कुछ ये जो हमारी रीजनिंग है, जो 9th क्लास में रीजनिंग, सॉरी, जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा में गवर्नमेंट नौकरी में आती है ना, जो रीजनिंग, उसका उससे मिलता जुलता हुआ चैप्टर है ये पैटर्न। ठीक है, हमें पैटर्न को फॉलो करना है और हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इसमें ये है। ठीक है, इसमें तो कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने लायक कुछ है नहीं, इसमें मतलब हम क्वेश्चन करते जाएंगे और हमें धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हम पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए डायरेक्ट उसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इसमें क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है, पैटर्न का मतलब क्या होता है, पैटर्न को समझो और अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, मतलब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, मतलब ये 9, 13, 17, 21, 25, तो ये सीरीज में चल रहा है, 9 9 आया, फिर 13 आया, 17 आया, 21 आया, 25, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार के यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, मतलब ये सीरीज है ना, ये चल रही है, इसका नेक्स्ट टर्म क्या है ये वाला। ठीक है, देख क्या है हमारा पहला, 9, 13, 17, 21, 25, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, तो ये सीरीज चल रही है, इसमें यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है वो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और अपने दिमाग को खोल के रखिए, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें अच्छी और बेटर तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 है, 9 के बाद 13 कैसे आया, इसमें यदि हम 4 को प्लस कर देते हैं, 4 को प्लस कर देते हैं 9 में, तो कितना जाएगा 13, 13 में अगर हम 4 को प्लस कर देते हैं कितना जाता है 17, 17 में हम फिर से 4 को प्लस करेंगे 21 आ जाएगा, 21 में हम 4 को प्लस करेंगे 25 आ गया, तो ऐसी सीरीज चल रही है, मतलब पैटर्न को पकड़ना है हमें, इधर क्या हो रहा है वही यहाँ पे होगा। ठीक है, पैटर्न का मतलब ये होता है बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल चलना। ठीक है, पैटर्न में चलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का प्लस हो रहा है, यहाँ भी 4 का प्लस हुआ, फिर इसमें 4 का प्लस हुआ 17 हो गया, 17 में 4 का प्लस करेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 4 का प्लस करेंगे 25 हो जाएगा, ऐसे हम 25 में 4 का प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 29, तो यहाँ पे क्या जाएगा नेक्स्ट टर्म हमारा 29। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में भी है हमारा थर्ड पे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पैटर्न को फॉलो करना है, तो यहाँ पे दिए रहे होंगे, हमें देखना है इनमें क्या हो रहा है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वही हमें यहाँ पे करना है, क्वेश्चन मार्क के वाले जगह पे सभी क्वेश्चनों में यही करना है, हमें बस पैटर्न को पकड़ना है कि यहाँ पे क्वेश्चनों में क्या हो रहा है। ठीक है, बताओ आपको पैटर्न को अच्छे से समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन को हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, बस आपको पैटर्न को फॉलो करना है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी नेक्स्ट टर्म पूछा है, तो हम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही हम इसमें रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टर्म ऑफ 258, 113, 66, 34, 118, देखिए ये तो यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट लिखा है ना, यहाँ पे बताना है हमें क्या होगा डॉट डॉट की जगह पे। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया उन्होंने, पहला क्या हमारा 258, फिर 113, फिर 66, फिर 34, फिर 180, अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए आप 258 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 1 2, 5, 2 2 4, सॉरी 2 2 4, यहाँ पे 1 बचा 18, तो 2 9 18, तो कितना आ गया 2 9, और इसमें अगर हम 2 9 में 1 का प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा ये 130, मतलब क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है
वो प्लस वन हो रहा है, ठीक है, टू से डिवाइड और प्लस वन होगा तो 130 आ जाएगा। इसको भी हम सेम वैसे कर देंगे, इसको टू से डिवाइड कर देंगे और उसमें वन प्लस कर देंगे, तो इसको टू से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। 65 में वन प्लस कर देंगे, 36 हो गया, 66 हो गया, फिर 66 को भी हम टू से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33। इसमें हम वन को प्लस कर देंगे जैसा इसमें कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 34। इसमें भी हम वही करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे और वन का प्लस करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये 17, 17 में वन का प्लस करेंगे तो 18। अब इसमें भी हम टू से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा ये 9, और 9 में वन का प्लस कर देंगे तो 10, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 10 होगा। बस कुछ नहीं करना है इसमें, टू का डिवाइड देना है इसमें और वन प्लस करना है, तो ये आ गया। फिर इसमें भी हम टू का डिवाइड करेंगे और वन प्लस करेंगे तो 66 आ जाएगा। 66 में वही करेंगे जो यहाँ पे क्या था, टू का डिवाइड और वन का प्लस, 34 आ जाएगा। 34 में भी टू का डिवाइड और प्लस वन करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। 18 में भी टू का डिवाइड और वन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10। तो हमारे नेक्स्ट टाइम क्या निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। तो यहाँ पे ये डॉट डॉट की जगह पे क्या जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको पढ़िए आप। सबसे पहले आपको मैंने, आप सभी वीडियो लगभग बहुत सी वीडियो में बोलता हूँ आपको, सबसे पहले क्या आप क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो आंसर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इसमें भी हमें नेक्स्ट टर्म निकाल ली है यहाँ पे, ठीक है, 3, 4, 6, 9, 13, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, इसमें भी हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए 3 से 4 में क्या हो रहा है, वन प्लस हो रहा है, 4 से 6 में क्या हो रहा है, टू का प्लस हो रहा है, 6 से 9 में क्या हो रहा है, 3 का प्लस हो रहा है, 9 से 13 में क्या हो रहा है, 4 का प्लस हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ वन का प्लस हुआ, यहाँ से 2 प्लस हुआ, ठीक है, वन का प्लस, यहाँ 2 का प्लस, यहाँ 3 प्लस 9, फिर यहाँ पे 4 प्लस हो गया, 13 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा, 13 में 13 में 5 प्लस हो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या निकल के आ गई हमारी, 18 निकल के आ गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको, देखिए क्या था ये 3, 4, 6, 9, 13, तो हमने ये लिखा। देखिए 3 से 3 और 4 में क्या, 1 प्लस, 3 में 1 को प्लस करेंगे तो 4 हो गया हमारा, ठीक है, 4 में हम 2 प्लस कर देते हैं 6 हो जाता है, 6 में यदि हम 3 प्लस करते हैं तो 9 हो जाता है, 9 में यदि हम 4 प्लस करते थे तो 13 हो जाता है, तो वैसे ही हम 13 में 5 कर देंगे, जैसे यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ 2 प्लस हुआ, यहाँ 3 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, यहाँ 5 प्लस कर देंगे, तो हम 5 प्लस के 13 कितना आ गया हमारा, 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसका नेक्स्ट टर्म होगा 18, ठीक है, देखिए जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ये, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें भी सेम वो ही है, हमें नेक्स्ट टर्म बताना है सीरीज का। देखिए इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसलिए आप इसको भी बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। देखिए द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इसमें वही है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है, 1, 2, 4, 8, यहाँ डॉट डॉट की जगह पे क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो पहला क्या, 1, 2, 4, 8, यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 से 2 कैसे हो गया, ये 1 का 2 इसमें दोगुना हो गया, ठीक है, 2 से 4 कैसे हो गया, 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 2 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 का इंटू हो रहा है, ठीक है, सब में 2 का इंटू हो रहा है, 1 में यदि हम 2 का इंटू करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में हम 2 का इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में हम 2 का इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में हम 2 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब सब में क्या हो रहा है, 2 का इंटू हो रहा है, ठीक है। 1 में 2 का इंटू करेंगे, देखिए 2 हो गया यहाँ पे, फिर 2 में 2 का इंटू करेंगे तो 4 हो गया, 4 में हम 2 का इंटू करेंगे तो 8 हो गया,
8 में 2 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, 16 होगा। ठीक है, ऑप्शन में भी सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं अपना आंसर। यहाँ पे और कुछ आता है और हम देखते हैं ऑप्शन में नहीं रहता तो हमारा गलत आंसर होता, लेकिन हमने यहाँ देखा 16 आया हमारा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हमने सीरीज वाले क्वेश्चन देखे, ये भी वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने कुछ अलग कर दिया। ठीक है, इसमें भी हमें नेक्स्ट टाइम बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या 18 है, यहाँ 10, यहाँ 17, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। देखिए 18 है, देखिए यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये 70 होगा 80 से, फिर एक को छोड़ा यहाँ पे क्या होगा, ये 60 हो गया, तो मतलब यहाँ पे 10 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, 10 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए 10 था वो, यहाँ पे क्या होगा, ये 15 होगा, मतलब +5 हो रहा है। यहाँ 15 से यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जैसे 18 से यहाँ पे एक को छोड़ के 17 हो गया, फिर 17 से एक को छोड़ के यहाँ 60 हो गया, मतलब 10 माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10 से एक को छोड़ा हमने ये बीच में, यहाँ पे 15 हो गया, मतलब 5 प्लस हो गया। फिर ऐसे 15 एक को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 कर देंगे 15 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, यदि इसकी एक और बात पूछता तो क्या हो जाता है, ये 16 में हम 10 माइनस करते 15 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये देखिए नीचे यहाँ पे 10 में 1 प्लस हुआ है, एक गैप देके 15 हो गया, फिर एक बीच में गैप आया फिर इसमें 5 प्लस किया 20 आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, देखिए इफ सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली इज, मतलब हमें इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इसकी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की इस हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका लास्ट रो का सम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स मतलब सब में लास्ट रो ऐसी सब में ये वाले ये रो रहती है इधर पे, और ये देखिए ये वाले जो रहती है ना ये रो रहती है और बीच में ये कॉलम रहते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो देखिए हम इसका प्लस कर लेते हैं लास्ट रो का। ठीक है, सम ऑफ लास्ट रो क्या है, 4, 9 और 2, कितना हो गया 4 और 9 13, 13 और 2 15। ठीक है, लास्ट रो कितना आ गया हमारा 15 आ गया। ठीक है, फिर क्या कहते हैं डायनोजल करते हैं, सम ऑफ डायनोजल फर्स्ट डायजोनल कर लेते हैं, सम ऑफ डायजोनल। ठीक है, तो डायजोनल में क्या जाएगा, ये डायगोनल ये होते हैं। ठीक है, तो 4, 5 प्लस जेड और इक्वल में क्या कर देते हैं, हम लास्ट में हमारा टोटल आया था ना वो कर देते हैं 15। ठीक है, फिर क्या 4 और 5 कितना हो गया 9 प्लस जेड प्लस 15, फिर क्या हो जाएगा, ये जेड यहीं पे रहेगा 15, ये उधर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 9, तो जेड बराबर कितना आ गया हमारा 15 में से 9 माइनस करोगे कितना जाएगा 6, तो हमें जेड की वैल्यू तो यहाँ पे निकल गई ये 1। ठीक है, जेड की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब क्या करते थे, हमने इनका तो प्लस कर दिया, अब क्या करते हैं सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, इसका कॉलम फर्स्ट कॉलम का सम कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का सम तो 8 + x + जेड। ठीक है, एट ये एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं, बराबर में 15 आएगा ये, और जेड की वैल्यू क्या आई है हमारी +6, यहाँ पे 15, तो 8 और 6 कितना हो गया हमारा, 8 और 6 हो जाएगा 14 + x = 15, x यहीं पे रहेगा
ये 14 उधर माइनस में चला जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, तो हमारी 1 की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं जो बचा है हमारा, थोड़ी स्पेस की कमी है। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा कर लेते हैं, हम फिर से एक रो और ले लेते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट, सबसे पहले क्या किया हमने, इसका कर लिया, इसका सम किया, फिर हमने फर्स्ट कॉलम का सम किया, अब हम सेकंड कॉलम का सम कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम का मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाना, बाय प्लस 5 प्लस डब्ल्यू इक्वल में 15, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई है, ठीक है, एट बाय प्लस 4। एक मिनट मेरे को इसको देखिए, आपको ये जेड बराबर 6 ये हमारा आ गया था ना, ये थोड़ा मैंने गलत जोड़ दिया, इसको रहने दो, बस आप ये समझिए। हम सबसे पहले फर्स्ट सम ऑफ लास्ट रो किया था, तुम्हारा 15 आ गया, उसके बाद हमने डायगोनल का सम कर लिया ये वाले का, तो हमारा क्या आ गया था, जेड बराबर 6 आ गया था। ठीक है, और हम देखिए आगे इधर कर देते हैं और स्पेस में। ठीक है, तो हम सम ऑफ कर देते हैं फर्स्ट कॉलम का। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, आप यहाँ पे नोट नहीं किया होगा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में क्या है, 8 है प्लस वाई प्लस 4 और इजिकल टू क्या जाएगा हमारा 15 जो लास्ट रो में आया था। ठीक है, तो 8 प्लस वाई प्लस 4 15, तो देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा, ये 12 बाय प्लस 15, तो वाई 15 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, ये वाई पाई बराबर 3। ठीक है, तो हमारी देखो जेड की वैल्यू निकल गई और वाई की वैल्यू निकल, वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू क्या है हमारी 6 है। ठीक है, दो वैल्यू निकल चुकी है हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम का हमने कर लिया, अब देखिए अब कर लेते हैं ये रो, सेकेंड रो का देखिए, ये हमने ये इसका कर लिया और इसका, इन दोनों का सम कर लिया, हम ये बीच वाली रो को कर लेते हैं, बाय 5 प्लस W का। ठीक है, बाय 5 प्लस W इजिकल टू 15, तो वाई का मान पता है 3 आया था, 5 W का पता नहीं हमें, तो ये कितना हो जाएगा, 8 W 50 W बराबर 15 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा, W बराबर 7। ठीक है, W का मान भी हमें पता चलेगा कितना, 7। ठीक है, अब फिर से क्या कर लेते हैं, अब ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट रो का हम कर लेते हैं, 8x प्लस z। ठीक है, 8x प्लस z, तो 8x प्लस z इक्वल टू 15 भी है। देखिए जेड का मान क्या निकला था हमारा, जेड का मान 6 निकला था। ठीक है, 6, तो 6 कितना होगा, 14x प्लस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1, 15 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे सभी मान निकल गए हैं। ठीक है, x का मान 1, y का मान 3, z का मान 6 और 7 है हमारा, तो 1 3 6 7, ये आप याद रखना, तो किसमें 1 3 6 7, 1 3 6 7 ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए नंबर इन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, मतलब ये देखिए यहाँ पे नंबर, ये जो स्पेस छूटा है ना, इनमें नंबर्स क्या होंगे, तो देखिए आप खुद से समझ सकते हैं, ये 40 45 50 55 60 65, मतलब 5 5 प्लस 5 ऐड हो रहे हैं, यहाँ 17 था, इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 75 हो गया, 75 में 5 प्लस कर देंगे 80 हो गया, ऐसी 80 में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 85 हो जाएगा, 85 में 5 प्लस करेंगे 90 हो जाएगा, 90 में 5 प्लस करेंगे तो 95 हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे इसके स्पेस नेक्स्ट लाइन में, 85 19 और 95, ये किस ऑप्शन में है, 85 90, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है।
तो इसका ऑप्शन नंबर टू आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर एट। देखिए इसमें क्या, इफ द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर, देखिए रो का हमें सम करना है, कॉलम का करना है और डायगोनल का सम करना है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए मतलब हमें ये बोल रहा है कि ये इधर से प्लस करो या इनका प्लस करो या फिर इनका प्लस करो, इनमें सब में क्या आना चाहिए, इनका टोटल सेम आना चाहिए टोटल। ठीक है, टोटल क्या आना चाहिए, इनका टोटल बिल्कुल सेम आना चाहिए। ठीक है, देखिए हम एक का इस रो का कर लेते हैं, 1 और 5 कितना होता है, 6, 6 और 9, 15, मतलब सबका टोटल 15 आना चाहिए, तो हम ऐसे क्या रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, यदि हम यहाँ पे 4, यहाँ 4 और यहाँ पे 8 कर देते हैं, कितना होगा, 4 और 12, 12 और 3, 15, तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यदि हम यहाँ पे 6 और 7 को प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6, 7, 13, 13 और 2, 15, तो ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 4, 5, 9, 9 और 6, 15, तो ये भी क्या हो जाएगा, टाइम 15, सभी को टोटल 15 हो जाएगा। तो हमने क्या क्या रखा, यहाँ पे एक्स से यहाँ पे 8 रखा, देखिए 8 रखा हमने यहाँ पे, तो हमारा पहले ही ऑप्शन मिल गया हमें, कि ऑप्शन देख लेंगे और परख लेंगे, 8 हमारा एक्स में क्या है, 8 है, तो सब पहले पहले हम देखेंगे इधर भी एक्स नहीं है, इधर भी 8 नहीं है, तो यही ऑप्शन हुआ हमारा, अब यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं हमें। ठीक है, हमें आंसर लाना है क्यों, हमारे पास टाइम कम रहता है, 120 मिनट में हमें पूरा पेपर 100, 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, क्या क्या है, 5, 8, 11, और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 2 और 5 में क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 5 और 8 में भी क्या हो रहा है, 3 प्लस, 8 और 11 में क्या हो रहा है, 3 प्लस, देखिए 2 में हम 3 को प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में हम 3 का प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में हम 3 का प्लस करेंगे 11 हो जाएगा, ऐसे हम 11 में 3 का प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, +3 सम में हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है। ठीक है, इसे 10 क्वेश्चन में हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। देखिए इसमें 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 47, 41 का क्या होगा, देखिए 11 में क्या है, एक क्या है, ओड नंबर है, मतलब ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं, या तो ये वन से डिवाइड होंगे, या फिर खुद उसी संख्या से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो क्या है, ये सभी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, या तो ये वन से डिवाइड होंगे या फिर उसी संख्या से, देखिए 11, 11 के बाद 13 आया, 13 के बाद 17 ऐसा है प्राइम नंबर है, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 है, 37 के बाद 41 है, 41 के बाद क्या है, 43 है, जो या तो वन से डिवाइड होता है या फिर खुद उसी संख्या से। ठीक है, तो क्या है हमारा, 41 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 43। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, यदि आपको कोई डाउट है, ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, या नीचे हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए ही बैठे हैं, आपको सजेशन देना चाहते हैं सजेशन दे सकते हैं हमें, कि सर ऐसा पढ़ाइए हमको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, हम सजेशन मिले, इम्प्रूवमेंट के लिए हम हमेशा तैयार हैं। यदि कोई दोस्त हो जो नवोदय की तैयारी कर रहा हो तो आप उसे भी ये सजेस्ट कीजिए, और जो बच्चे सैनिक स्कूल तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल भी हमारे चैनल में पढ़ाया जा रहा है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी इस क्लास की तैयारी भी कर सकते हैं, हमारा 6 से लेकर 12 तक सारा कंटेंट डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और हमारी, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।